क्या हुआ मम्मा? कहाँ पे दवा खाना? हॉस्पिटल ले गया रे। हाँ डॉक्टर, मैंने भेज दिया, मैंने नमक पानी पिलाया, चलेगा? मैंने नमक पानी भी पिला दिया जल्दी जल्दी में। 77.50 बहुत लो प्रेशर है क्या? जी। छोटे पागल बच्चे मेरे। इट इज़ सो हॉट और मैं अभी आई थी बीना के घर पर और मुझे बोला गया कि वो नीचे टेनिस खेलने गए हैं, तो मैं शौक हूँ कि वो इतनी धूप में कैसे टेनिस खेल रहे हैं। तो यू गो, बट जस्ट लुक एट द धूप, इट इज़ राइट हियर। बाबा बहुत धूप है, अजीब ही, मतलब ऐसे वाली विल पावर चाहिए मुझे लाइफ में। हेलो, आज मैं देबीना डिकोट्स के तरफ से देबीना और बच्चे के लिए एक सूप बनाऊंगी। डायरेक्शन देबीना ने देके गया है क्या क्या करना है, क्या तो मैं सिर्फ हाथ हिलाऊंगी। अभी इसमें मैं वाटर दूंगी, इसके बाद इसमें मैं डालूंगी लहसुन, प्याज, ये लहसुन और प्याज थोड़ा सा पिंक कलर, देखिए थोड़ा पिंक कलर होने वाला है, थोड़ा होने दीजिए। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी ये सारा सब्जी, बीन्स, गाजर, ब्रोकोली एंड फूलगोभी, सभी छोटा छोटा करके काट लिया मैं, अब एक एक करके डालते जाऊंगी। अभी इसमें थोड़ा सा नमक, इसके बाद इसमें मैं डालूंगी इसको थोड़ा टाइम पकने के लिए ढक के छोड़ दूंगी। अभी इसमें उबल आ गया है, थोड़ा 2-3 मिनट और इसको पकने देंगे। उस दिन से तो घर पे क्या उथल मच रहा था, देबीना का पापा हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, दियाना का बुखार है, इतना उसका तकलीफ चल रहा है, खाना वाना सब तो छोड़ दिया, लियाना गुरमीत का मम्मी का भी ऑपरेशन हुआ, बहुत कुछ हो रहा था, तो देबीना तो कुछ नहीं कर पा रही थी। आज गई है जिम, घर पे तो उधम मच रहा था कुछ दिन से, देबीना कहीं नहीं गई, बच्चों को संभालना, इधर पेशेंट हॉस्पिटल में जाना, खाना लेके जाना। तो आज देबीना ने बोला, मम्मी आज मैं जा रही हूँ जिम, जितना हो सके तुम कर दो। तो मैंने उसके लिए, बच्चे के लिए और सबके लिए थोड़ा खाना बना दिया। अभी ये हो गया है, इसमें मैं अभी इसको इसमें
दूध डालूंगी, दूध, ये सूप का यही खासियत है, इसमें दूध से बनता है। दूध देने से कभी कभी सूप में दूध फट जाता है, तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा, 1/4 चम्मच कॉर्नफ्लावर हो, मैदा हो, कुछ भी थोड़ा सा डाल के उसको उसमें मिला लीजिएगा, देखना दूध फटेगा नहीं। अभी ये हो गया है, सूप बन गया, अभी इसमें चीज डालूंगी, ऊपर से चीज, अब इसको ढक के रख दूंगी। फाइनली ये बन चुका है, अभी हम इसको ढक के रखा, जब बच्चे खाएगा तब थोड़ा गर्म भी कर सकता है, लेकिन इस बर्तन में गर्म रहेगा। घर का सिचुएशन बहुत खराब था, उनका ऑपरेशन और इनका, मतलब देवीना का पापा का, इतना प्रेशर इतना लो हो गया, तो खड़े नहीं हो पा रहे थे। डॉक्टर ने तुरंत बोला आप हॉस्पिटल में लेके आइए, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, शुगर के लिए ही हो रहा था, लेकिन ये तो जाना नहीं चाहते थे, नहीं हॉस्पिटल नहीं जाना है मुझे, लेकिन जबरदस्ती उसको तुरंत, मतलब कुछ भी नहीं लेके, सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लेके चले गई मैं। डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं ला, बोला इतना फास्ट फास्ट आए, ये तो सर इतना घूम रहा है, तो खड़े नहीं हो पा रहे, तुरंत नमक पानी और बहुत पानी पीने को बोला। नमक पानी तो जल्दी जल्दी उसी टाइम पी के थोड़ा सा उनका आराम मिला। 3 दिन हॉस्पिटल में रह के, डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में रह के अभी वो ठीक है, लेकिन पूरा घर पे पूरा कंट्रोल में रहना है, खाना पीना सोना उठना बैठना नहाना सब कुछ, लेकिन इसको सब करना बहुत मुश्किल है। ये सब ऊपर से लिया ना आपकी बीमारी, क्या करे, इधर करे ना उधर करे, समझ में नहीं आता। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। क्या खा रहे हो, मुझे भी पिलाओ थोड़ा सूप। देखो छेद हो गया, ट्विंग टिंग टिंग। सिचुएशन ऐसा है कि घर पे सब बीमार पड़ रहे हैं, एंड आई जस्ट डोंट नो व्हाई। एक्चुअली देखा जाए तो नवंबर से स्टार्ट हुआ, पहले दिविशा अनवेल थी, फिर उसके बाद मतलब जैसे लग रहा था जैसे ठीक ही नहीं हो रही, ठीक ही नहीं हो रही है। उसके बाद आंटी का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद पापा हॉस्पिटल में चले गए, पापा हॉस्पिटल से बाहर आए, दोबारा हॉस्पिटल चले गए, दोबारा हॉस्पिटल से बाहर आए, लियाना अभी वापस से बीमार हो गई। आई थिंक यू नो पॉजिटिविटी ऑब्वियसली रखना तो बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हम रख रहे हैं, ये सोच रहे हैं यू नो अंडर दीज सर्कमस्टांसिस इज दिस इज कॉल्ड द टेस्टिंग टाइम। इस टाइम पे मायूस हो जाना या सोचना यू नो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये बहुत आसान है और यही होता है, बट हमेशा ऐसा सोचना चाहिए यू नो इट कुड हैव बीन वर्स, एंड थैंक्स टू गॉड कि जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहे हैं और एवरीथिंग इज फॉलिंग बैक इनटू प्लेस। आज हम लोग घर पे एक यू नो थोड़ा सा नज़र उतारेंगे, आज एक किन्नर आएंगी घर पे और हम सबको ब्लेस करेंगी, सबका नज़र उतार देंगी, एंड ऑल्सो बिलीव इन द फैक्ट दैट ब्लेसिंग्स भी बहुत ज़रूरी है, एंड एक नज़र उतार दे या नज़र लगता है ये भी, इसमें भी थोड़ा बहुत बिलीव रखती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, और कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस्ड कि इसके बाद सब अच्छा होगा। इन सब के बीच में मैं अपना देसी नुस्खे तो चलाऊंगी ही, और देसी नुस्खे हमारे देश में ही कहीं अवेलेबल है। मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे पूजा पाठ नज़र उतारना भी बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे हेल्दी खाना भी बहुत ज़रूरी है। लियाना बीमार है तो उसने खाना छोड़ दिया, बच्चे जब भी बीमार पड़ते वो खुद ही खाना छोड़ देते, दे हैव दैट इंस्टिंक्ट। बट जब मैं उसको बोल रही हूँ यू नो थोड़ा थोड़ा अलग कुछ यू नो लड्डू खाओगे केक खाओगे, तो वो हाँ बोल रही है, थोड़ा सा ऑब्वियसली खा नहीं पा रही है, थोड़ा बहुत ही खा रही है। एंड आई केम अक्रॉस समथिंग कॉल्ड यू नो हेल्थी प्रोटीन लड्डू, या पिन्नी बोलते हैं, या कोई लोग गोंद का लड्डू बोलते हैं, सो लेट्स जस्ट सी इफ दिस वर्क, इम्यूनिटी बूस्टिंग लड्डू यू वी कैन से, सो लेट्स ट्राई एंड मेक दिस होम। इसके लिए हमें चाहिए फ्लैक्स सीड या अलसी, लोटस सीड यानी कि मखाना, जैगरी यानी गुड़, शुनाट्स, आमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड, एडिबल गम यानी कि गोंद, घी, कार्डमम पाउडर एंड ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ। मेरे पास यहाँ पे सब कुछ रेडी है।
ये है पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट सब कुछ का पाउडर बनाया हुआ है। इसमें थोड़ा बहुत सैफरन भी है, तो ये पाउडर ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, मैं खिला देती हूँ थोड़ा सा, तो मैं इसी को यूज़ करूँगी अलग से नहीं। जो गोंद है उसको मैंने ऑलरेडी घी में थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, इट बिकम्स क्रंची। ये है मखाना पाउडर, मखाने को ऑलरेडी घी में टॉस करके कुरकुरा हो गया, उसको मैं पाउडर बना के रखी हूँ। ये है ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर, ये है जिंजर पाउडर। तो अभी इन सबको बस मुझे मिला लेना है। व्हाट आई विल डू इज मिक्स ऑल ऑफ देम इन अ पैन। तो जो गोंद मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था उसको मैंने देखा हाथ से ही वो पाउडर बन जाता है, तो यहाँ पे ये पूरा पाउडर बन गया। इसमें मैं मिला दूंगी ड्राई नट्स पाउडर, जो कि है आलमंड्स, पिस्ता, बादाम सब कुछ। इसमें मैं मिलाऊंगी सीड्स का पाउडर, जो कि है पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड। इसमें मैं डाल दूंगी फॉक्स नट्स यानी कि मखाना, उसका पाउडर। इसमें मैं डालूंगी गुड़, इसमें मैं डालूंगी घी, क्योंकि एकदम छोटे बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा और फाइनली ग्राइंड कर लेना चाहूंगी और उसके बाद उसके लड्डू बना के हो जाएगा मेरा गोंद का लड्डू तैयार। खालो खालो नो नो फाइनली मेरे घर में स्पेशल मेहमान आ ही गए हैं। शिव शक्ति तरफ से दुआ।